ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल होने वाला है मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और साथ में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी मैच होगा। तो इसमें कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न कुंडली बनाकर इसका एनालिसिस कर रहा हूं। और जब मैच खत्म हो जाएगा इसके बाद हम ज़रूर इसको मैच करेंगे कि क्या ये प्रेडिक्शन मेरी सही गई थी या गलत गई थी। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि इस टाइप के मैच की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि 22 प्लेयर की कुंडली होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। केवल हम बैटिंग या को लेकर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, केवल बॉलिंग को लेकर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मैं एग्री करता हूं और सभी लोग भी एग्री करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है, अगर जैसे राजनेताओं की भविष्यवाणी करना होता है तो वहां पर भविष्यवाणी मेरी आपने चेक भी की होगी, 90 से 95% आपको एग्जैक्ट मिला होगा। लेकिन क्रिकेट मैच में अभी तक जो है वो 5 भविष्यवाणी सत्य हुई है और 2 भविष्यवाणी गलत हुई है, जिसमें इंग्लैंड वाली भविष्यवाणी को मैं गलत काउंट कर रहा हूं, और साथ में ऑस्ट्रेलिया वाली भविष्यवाणी तो गलत हुई थी। तो 2 भविष्यवाणी गलत हुई थी, साथ में साउथ अफ्रीका की भविष्यवाणी सत्य गई थी, न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ था, पाकिस्तान की भविष्यवाणी सत्य गई थी, ये वेस्ट इंडीज़ की भविष्यवाणी सत्य गई थी, अफगानिस्तान की भविष्यवाणी सत्य गई थी, और बांग्लादेश के विरुद्ध जो मैच हुआ था उन सभी में, यानी लगातार ये टोटल मिलाकर जो 5 भविष्यवाणी हुई थी मेरी वो सत्य गई थी। इंग्लैंड वाले में कलर कोडिंग का प्रॉब्लम आया था, और इसका पुनः एक एग्जांपल आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा। सेमीफाइनल्स की मैं बात करता हूं तो वहां पर भी देखिएगा कलर कोडिंग में इंडिया के जीतने की प्रॉबिलिटी बहुत कम रहेगी। हालांकि पूर्ण रूप से मैं इसका एनालिसिस करूंगा, क्योंकि जो ये मैच होगा 9 या 11 तारीख को, जैसा आप लोग ने बताया है और मैंने नेट पर भी चेक किया, तो जो ये डेट होगा उस डेट पर गोचरीय व्यवस्था क्या बन रही उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बताऊंगा। तो अभी मेरा ये प्रेडिक्शन नोट कीजिएगा, पहली भविष्यवाणी मेरी है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की भविष्यवाणी आज मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से कर रहा हूं, और प्रश्न कुंडली के माध्यम के साथ साथ जो गोचरीय व्यवस्था है, क्योंकि उस समय तुला लगन बनेगा पहले खेलने के लिए, और इंडिया का पहला खेलना बहुत जरूरी है। इंडिया अगर पहला खेलता है, पहले बैटिंग करती है, तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। वैसे भी देखिए इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं, पहला मैच में कन्या लगन बना था, जब साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ था, इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच में था, उसका लगन कन्या था, उसके बेसिस पे देखा जाए तो सेकंड बैटिंग करने पे इंडिया का जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही थी, और इंडिया सेकंड बैटिंग की और जीती भी। इसके बाद लगातार जितने भी मैचेस हुए थे उन सभी मैचेस में इंडिया पहले खेली है, बैटिंग की है, और उसमें इंडिया जीती भी है, और उसमें लगन जो बन रहा था वो ये तुला लगन बन रहा था, तो तुला लगन हमेशा इंडिया के लिए फेवरेबल रहा है, और कल का भी जो मैच होगा उसमें तुला लगन बनेगा, और कल के मैच में जीतने की जो प्रॉबिलिटी रहेगी, हालाँकि जो इंग्लैंड वाला मैच था उसमें मैं लगन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें चेक किया था, क्योंकि दोनों प्लेयर की जो कुंडली थी नेट पर अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया था, इसलिए मैंने सेकंड बैटिंग को वहां पे प्रेफरेंस दिया था। लेकिन अब जो है मैं प्रेडिक्शन जो कर रहा हूं वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से कर रहा हूं, और इसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं चाहिए, इसका आंसर यस और नो में होता है। तो मेरा मतलब आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था फोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि क्या इंडिया जीतेगी श्रीलंका के बीच में, तो आंसर है यस, इंडिया इज गोइंग टू विन अगेंस्ट श्रीलंका। आइदर इंडिया इज मतलब बेटर रहेगा इंडिया का पहले बैटिंग करना, बैटिंग अगर इंडिया पहले करती है तो 75% जीतने की संभावना रहेगी, और अगर सेकंड बैटिंग करती है तो भी इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 55% बन रही है। तो इंडिया जीतेगी कल की मैच, इसमें मुझे कहीं पर भी कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया विल विन टुमारोज मैच, एंड सेकंड इज द मैच बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, दिस मैच विल बी वॉन बाई ऑस्ट्रेलिया ओनली। तो ऑस्ट्रेलिया कल का मैच जीतने जा रही है साउथ अफ्रीका के बीच में। अब आती है बात सेमीफाइनल्स में क्या होगा, तो सेमीफाइनल्स के वीडियो के लिए अपडेटेड रहिएगा। तो टोटल मिलाकर अभी जो कैलकुलेशन चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन प्रश्न कुंडली के माध्यम से बता रहा हूँ, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से 75% तो सत्य होता ही होता है, इसका मतलब हर 4 में अगर 3 भविष्यवाणी देखा जाए तो वो सत्य होगी। तो प्रश्न कुंडली का सहारा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और कल के मैच के बाद मैं पुनः आप लोगों के साथ लाइव रहूँगा,
और देखूंगा कि कितनी चीज़ें यहाँ पर सत्य हो रही है। वैसे कल का मैच इंडिया के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया है। सेमीफाइनल में क्या होगा ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल में अगर होता है तो इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मानने को नहीं तैयार थे कि ये मंगल, काफ़ी कमेंट बॉक्स में वाद विवाद चल रहा था कि ऑरेंज कलर कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, तो ऑरेंज कलर जो हनुमान जी का भी कलर आप देखिएगा तो वो ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर यानी सिंदूरी कलर के हनुमान जी होते हैं। उनका जो रत्न होता है हम लोग लाल मूंगा कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में लाल और ऑरेंज दोनों होता है, रेड और ऑरेंज दोनों कलर का आपको दिखाई देगा। तो ऑरेंज कलर बेसिकली मूंगा जो भी होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, और उसका उसकी दशा अभी जो गोचरीय व्यवस्था चल रही है उसमें मंगल नीच के हैं, और जो नीच का मंगल है जिस भी टीम पर जाएगा वो उस पर नीचता ले देगा, उसको हराने की कोशिश करेगा, और यही इंडिया के साथ भी हुआ है। हालांकि बहुत अलग सारी भी इसके अंदर बातें आ रही हैं कि ज़बरदस्ती इंडिया हारी है या जीतना नहीं चाह रही थी, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हार हार होती है, तो उसको भी मैंने काउंटिंग किया है कि मेरी दो भविष्यवाणी गलत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दो भविष्यवाणी मैं कल का कर रहा हूं और इसको मैं लेकर आपके साथ लाइव रहूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा।